नमस्कार, आप देख रहे हैं जीवन जीने की कला स्पिरिचुअल। सर्व पितृ अमावस्या 2020। जी हाँ मित्रों, आज के इस वीडियो में जानेंगे हम सभी, 16 दिन तक अगर आपने श्राद्ध नहीं किया है तो इस दिन आपको 10 बड़े काम हैं जो जरूर करना चाहिए। अमावस्या के दिन अश्विन माह की कृष्ण पक्ष की अमावस्या को सर्व पितृ मोक्ष श्राद्ध अमावस्या कहते हैं। ये दिन पितृ पक्ष का आखिरी दिन होता है। अगर आप पितृ पक्ष में श्राद्ध कर चुके हैं तो भी सर्व पितृ अमावस्या के दिन पितरों का तर्पण करना जरूरी होता है। सभी जाने अनजाने पितरों हेतु इस दिन निश्चित ही श्राद्ध किया जाना चाहिए। मान्यता है कि इस दिन सभी पितर आपके द्वार पर उपस्थित हो जाते हैं। क्यों करना चाहिए सभी को? तो एक तो तिथि आपको पता है तो तिथि के दिन जल देंगे, लेकिन बहुत से आपके पूर्वज ऐसे भी होंगे जिनकी तिथि आपको नहीं पता होगा। हो सकता है कि किसी के पिताजी का देहावसान यानी कि मृत्यु हुई हो और उनको तिथि पता हो, मान लीजिए अष्टमी चतुर्थी कोई भी तिथि हो, तो उस दिन आपने जल दे दिया। लेकिन आपके और भी पूर्वज रहे हैं, पिताजी के पिताजी रहे हैं, उनके पिताजी रहे हैं, तो सबका पता नहीं होता है। तो इसीलिए एक अमावस्या के दिन जरूर जल देना चाहिए। पितृ तर्पण का अर्थ कभी भी ये नहीं होता है कि पिता का तर्पण, जी हाँ, बल्कि इसका अर्थ होता है पितरों का तर्पण, यानी हमारे जितने भी पूर्वज हुए हैं सभी के प्रति श्रद्धा व्यक्त करना कि हमें आपके बदौलत ये जीवन मिला हुआ है। तो 10 बड़े काम इस दिन जरूर करने चाहिए जो हम आपको बता देते हैं। एक बात और जान लीजिए कि पितृ तर्पण जो है यानी कि पितरों का तर्पण अमावस्या को उन लोगों को करना होता है, बेसिकली ज्यादातर वही करते हैं लोग जिनको पता नहीं होता है तिथि का कि कौन सी तिथि को देहावसान हुआ था। बाकी आपके सवाल और भी हैं कुछ, जिसके जवाब बाद में देंगे, पहले आपको ये 10 नियम बता देते हैं, करने होते हैं फिर आपके सवाल जो हैं उसके जवाब देंगे। पहला नियम है पिंडदान। पितृपक्ष में पिंडदान का काफी महत्व है। सामान्य विधि के अनुसार पिंडदान में चावल, गाय का दूध, घी, गुड़ और शहद को मिलाकर के पिंड बनाए जाते हैं और उन्हें पितरों को अर्पित किया जाता है। ये पिंडदान कुछ प्रकार का होता है, अलग अलग प्रकार का। दूसरा नियम है तर्पण का। पिंडदान के साथ ही जल में काले तिल, जौ, कुशा, सफेद फूल मिला करके तर्पण किया जाता है। पिंड बनाने के बाद हाथ में कुशा, जौ, काला तिल, अक्षत और जल लेकर के संकल्प करना चाहिए। इसके बाद आपको मंत्र पढ़ना चाहिए, ओम अद्य श्रुति स्मृति पुराणोक्त सर्व संसारिक सुख समृद्धि प्राप्ति च वंश वृद्धि हेतव देव ऋषि मनुष्य पितृ तर्पणम च अहं करिष्ये। अगर आपको मंत्र बोलने नहीं बोल पाते हैं तो आप इस वीडियो को चला दीजिए और इसके बाद जल दीजिए। पुराणों में तर्पण को 6 भागों में विभक्त किया गया है, देव तर्पण, ऋषि तर्पण, दिव्य मानव तर्पण, दिव्य पितृ तर्पण, यम तर्पण, मनुष्य पितृ तर्पण, ये सभी के नाम से तर्पण किया जाता है। तीसरा नियम है बलि का। जी हाँ, बलि के अर्थ बलि देने नहीं बल्कि भोजन कराना भी होता है। इस श्राद्ध में गो बलि, श्वान बलि यानी कि गो का दान करना, श्वान का दान करना, काक बलि और देवादि बलि कर्म करना चाहिए, यानी कि इन सभी के लिए विशेष मंत्र बोलते हुए भोजन सामग्री निकाल करके उन्हें ग्रहण कराइए। जी हाँ, जरूरी होता है। अंत में चींटियों के लिए भी भोजन सामग्री पत्ते पर निकाल दीजिए, यानी कि कौवा, कुत्तों, गायों और चींटियों के लिए भोजन अन्न का अंश जरूर निकालना चाहिए, क्योंकि ये सभी जीव यम के काफी नजदीक होते हैं और पितरों के लिए जरूरी है कि आप इन जीवों को भी तृप्त करें। इसके अलावा ब्राह्मण भोज, जी हाँ, पिंडदान, तर्पण एवं गो बलि, श्वान बलि, काक बलि और देवादि बलि कर्म करने के बाद ब्राह्मण भोज कराया जाता है। ब्राह्मण नहीं तो अपने ही रिश्ते के निर्वसनी और शाकाहारी लोगों को भोजन करवाइए। इस दिन सभी को अच्छे से पेट भर करके भोजन खिला करके दक्षिणा देना जरूरी होता है। पांचवा नियम है श्राद्ध का समय। जी हाँ, श्राद्ध पक्ष में व्यसन और मांसाहार पूरी तरह से वर्जित माना गया है। पूर्णतः पवित्र रह करके ही श्राद्ध किया जाता है। श्राद्ध पक्ष में शुभ कार्य वर्जित माने गए हैं, रात्रि में श्राद्ध नहीं किया जाता है। श्राद्ध का समय दोपहर 12:30 बजे से 1 बजे के बीच उपयुक्त माना गया है। छठा नियम है इन 4 दिव्य पितरों को जरूर पूजिए। यमराज की गणना भी पितरों में होती है। काव्य वाडनल, सोम, अर्यमा और यम ये 4 इस जमात के मुख्य गण प्रधान हैं। अर्यमा को पितरों का प्रधान माना गया है और यमराज को न्यायाधीश, अग्रिश्वात, बहिर्पद, आज्यप, सोमेप, रश्मिप, उपदूत, अयंतुन, श्राद्धभूक और नांदीमुख ये 9 दिव्य पितर बताए गए हैं। आदित्य, वसु, रुद्र तथा दोनों अश्विन कुमार भी केवल नांदीमुख पितरों को छोड़कर के शेष सभी को
तृप्त करते हैं। सातवां है गीता का पाठ, जो कि हमने इस चैनल पर सुनाया हुआ है। सर्वपितृ अमावस्या के दिन पितरों की शांति के लिए और उनका आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए गीता के सातवें अध्याय का पाठ करने का विधान भी है। और अगर आपको पाठ करने नहीं आता है तो हमने इस चैनल पर सुनाया हुआ है गीता का सातवां अध्याय, आप उस वीडियो को जरूर देखिए। पितृपक्ष में हर रोज देखने से भी आपको फायदा होता है, क्योंकि कौन से पितर की मृत्यु किस दिन हुई है यानी कि हमारे पूर्वज की हमें पता नहीं है, तो इसलिए पितृपक्ष में हर रोज सुनना चाहिए। और खास करके समय नहीं है तो आप अमावस्या के दिन जरूर सुनिए। आठवां है पीपल की पूजा। सर्वपितृ अमावस्या पर पीपल की सेवा और पूजा करने से पितृ प्रसन्न होते हैं। स्टील के लोटे में दूध, पानी, काले तिल, शहद और जौ मिला लें और पीपल की जड़ में इसे अर्पित कर दें। नौवां है प्राश्चित कर्म। जी हाँ, शास्त्रों में मृत्यु के बाद और धर्व दैहिक संस्कार, पिंडदान, तर्पण, श्राद्ध, एकादशाह, सपिंडीकरण, अशौचादि निर्णय, कर्म विपाक आदि के द्वारा पापों के विधान का प्रायश्चित कहा गया है। प्राचीन काल में अपने किसी पाप का प्रायश्चित करने के लिए देवता, मनुष्य या फिर भगवान अपने अपने तरीके से प्रायश्चित करते थे। जैसे त्रेता युग में भगवान राम ने रावण का वध किया, तो जो सभी वेद शास्त्रों का ज्ञाता होने के साथ साथ ब्राह्मण भी था, इस कारण उन्हें ब्रह्मा हत्या का दोष लगा था। इसके उपरांत उन्होंने कपाल मोचन तीर्थ में स्नान किया और तप किया था, जिसके चलते उन्होंने ब्रह्म हत्या के दोष से मुक्ति पाई थी। प्रायश्चित किए बिना जीव मुक्ति नहीं, पिछले जन्मों के पाप और पुण्य भी हमारे अंतर्मन में संग्रहित रहते हैं। जिस प्रकार से सूर्य कोहरे को हटा देता है और बर्फ को पिघला देता है, उसी प्रकार से प्रभु श्री राम और श्री कृष्ण की भक्ति हमारे अंतर्मन से न केवल अनावश्यक विकारों विचारों को नष्ट करती है, बल्कि पापों को भी नष्ट करती है। वास्तव में जब हम भक्तिपूर्वक उनका नाम जप करते हैं, तब पाप करने की इच्छा ही नष्ट हो जाती है। दसवीं बात जो ध्यान रखनी होती है श्राद्ध में, वो ये है कि ब्रह्मा कपा में करना चाहिए श्राद्ध कर्म। अंत में यदि हो सके तो सभी पितरों का गया और उसके बाद ब्रह्मा कपाली नामक स्थान पर विधिवत रूप से पितरों की मुक्ति और पितृ दोष से मुक्ति के लिए श्राद्ध कर्म करना चाहिए। ऐसा माना जाता है कि प्रयाग मुक्ति का पहला द्वार है, काशी दूसरा, गया तीसरा और अंतिम ब्रह्मा कपाली है। यहाँ क्रम से जाकर के पितरों के प्रति विधिवत किए गए श्राद्ध से मुक्ति मिल जाती है। पुराणों के अनुसार ब्रह्मा ज्ञान, गया श्राद्ध, गोशाला में मृत्यु तथा कुरुक्षेत्र में निवास, ये चारों मुक्ति के साधन हैं। गया में श्राद्ध करने से ब्रह्मा हत्या, सुरापान, स्वर्ण की चोरी, गुरु पत्नी गमन और उक्त संसर्ग जनित सभी महापाप तक नष्ट हो जाते हैं। कहते हैं कि गया में श्राद्ध करने के उपरांत अंतिम श्राद्ध बद्रिका क्षेत्र के ब्रह्मा कपाली में किया जाता है और ये जरूर करना चाहिए। तो अब श्राद्ध कर्म के लिए कुछ लोगों के मन में संशय हैं, जिन्होंने सवाल किए उनके जवाब दे देते हैं। कुछ लोगों का सवाल आया कि अगर मान लीजिए कि हम चार भाई हैं तो श्राद्ध किसको करना चाहिए, पिता की मृत्यु हो गई है, देहावसान हो गया है, तो सबसे पहले तो तिथि पर जो घर में बड़े पुत्र होते हैं उनको अधिकार है पितृ तर्पण करने का। लेकिन अगर मान लीजिए सब भाई अलग अलग रहते हैं, चारों अलग अलग रहते हैं, तो चारों दे सकते हैं। अच्छा, किसी किसी को अगर पुत्र नहीं है तो कौन देगा, तो पुत्री भी दे सकती है, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं होती है। पत्नी के लिए पति दे सकते हैं, उसमें भी कोई दिक्कत की बात नहीं होती है। और अगर ना हो तो पोता दे सकता है, पोता भी दे सकता है। श्राद्ध क्या होता है ये समझ लीजिए, तब आपको कंफ्यूजन नहीं होगा। श्राद्ध जो है अपने पितरों के प्रति श्रद्धा है, तो चाहे जो भी जीवित है उस सभी को श्राद्ध का कर्म करने में कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, अगर आप एक फैमिली में रहते हैं सभी, तो बड़े को ही देना चाहिए, बाकी सबको भाग लेना चाहिए उसमें। ऐसा नहीं कि सभी अलग अलग से दे रहे हैं। हाँ, एक में जब नहीं रहे, अलग हो गए हैं, तब सभी दे सकते हैं अलग अलग से पितरों को पिंडदान और जल का दान। तो आपके मन में और भी कुछ सवाल रह गए हों अगर पितरों से रिलेटेड, पितृपक्ष से रिलेटेड, तो आप सवाल कर सकते हैं, हम आने वाले दिनों में वीडियो जरूर बना देंगे। और अगर आप अपने पूर्वजों को याद करते हैं तो ये बहुत अच्छी बात है, उनके याद में एक कमेंट जरूर लिखिए कि आपके मन में अपने पितरों के प्रति सबसे पहला जो शब्द आता है वो क्या है, यानी कि उनके प्रति आप कैसे श्रद्धा व्यक्त करते हैं, कौन से शब्द के साथ, जरूर जानना चाहेंगे हम। और जय
पितृदेव की। पितृदेव क्षमा करें हमारी गलतियों को, हम मनुष्य हैं, हम सभी से गलतियां हो जाती हैं, क्षमा याचना करें पितरों से। इसी के साथ आप सभी की शुभ जिंदगी की कामना करते हुए, अच्छी जिंदगी की कामना करते हुए इस वीडियो से विदा लेते हैं। ऐसी ही नई वीडियो इस चैनल के माध्यम से हम लेकर के आते रहते हैं, तो ऐसी नई वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए ताकि नई वीडियो जब भी हम लाएं नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। साथ ही साथ वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे, ताकि सभी को वीडियो मिल सके। फिलहाल विदा लेते हैं आज की इस वीडियो से, जुड़ेंगे नई वीडियो में। तब तक आप सभी खुश रहें, आनंदित रहें, प्रेम से बोलें जय पितृदेव की।